राजधानी लखनऊ के पीजीआई इलाके में स्थित एक निजी स्कूल में छात्र को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। जॉन विनी स्कूल की शिक्षिका ने तीसरी क्लास के छात्र को अटेंडेंस ना लगवाने पर बहुत ही बेरहमी से मारा। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर से देख सकते हैं कि कैसे शिक्षिका मासूम को थप्पड़ जड़ रही है। यही नहीं, उसका कॉलर पकड़कर घसीटा, गला दबाया और सिर ब्लैक बोर्ड पर पटक दिया। छात्र इतना डर गया कि उसने स्कूल जाने से ही मना कर दिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता अतीक अहमद का रुख करते हैं। अतीक, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, आज ये सुबह का मामला है, लखनऊ के पीजीआई का मामला है। जो कॉलेज है जॉन वेरी स्कूल में एक कक्षा 3 छात्र का बच्चा था, उसका नाम था रितेश गुप्ता। इसको आज स्कूल की टीचर नाम रिचका है, इन्होंने इसलिए मारा है क्योंकि बच्चे को जब पूछा गया कि प्रेजेंट, उसने यस नहीं बोला। और बच्चे को लाने के बाद लगातार टीचर को मारते रहे और बच्चा उसके आगे हाथ जोड़ता रहा, मगर टीचर नहीं माने। और ये जो घटना है पूरी स्कूल में लगे कैमरे में कैद हो जाती है। उसके बाद जब बच्चा घर जाता है, पिता से पूछते हैं बेटा क्या हुआ है, तो बताता है कि टीचर ने मारा। और पिता ने शिकायत जब की है टीचर के खिलाफ स्कूल में, तो फिलहाल टीचर को निलंबित कर दिया गया है। मगर अब जो स्कूल के प्रशासन के लोग हैं, वो उनके बच्चे डरे हुए हैं। और ये भी बात कही जा रही है कि स्कूल के जो प्रिंसिपल है, उन्होंने कहा है कि उन्हें निकाल दिया है। स्कूल खुद प्रशासन के खिलाफ जो है टीचर के खिलाफ FIR दर्ज कराएगा। और ये एक बड़ी घटना है, स्कूल में छात्र जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, उन माँ बाप के लिए भी कि उनके बच्चे किस टीचर के लिए पढ़ने जाते हैं। जो टीचर भरोसा होता है कि वो उनको पढ़ा लिखा के एक अच्छा इंसान बनाएगा, और वो घटना ऐसी होती है, तो ये आपस में बड़ी घटना है। ठीक है जी अतीक, जैसे ही मामला सामने आया, उससे क्या लगता है, स्कूल प्रशासन बैकफुट पर आ गया है? देखिए, इस पूरे मामले की जो बात की जाए तो स्कूल के जो प्रशासन थे, जो अभी तक कार्रवाई नहीं की गई स्कूल पे, क्योंकि कोई FIR दर्ज नहीं की गई। मगर जो छात्र के बच्चे के जो पिता है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो स्कूल के खिलाफ भी FIR दर्ज कराएंगे, और जो टीचर है जिसका उनके खिलाफ भी FIR दर्ज कराएंगे। तो पूरी तरह से स्कूल बैकफुट पे आ चुका है। और ये बात साफ तौर पर कह रहा है कि इस मामले में टीचर को निकाल लिया गया है, और अगर बच्चे के पिता चाहते हैं तो स्कूल खुद टीचर के खिलाफ FIR दर्ज कराएगा। और साफ बात और चली आ रही है, DM लखनऊ के हैं, उन्होंने भी घटना को संज्ञान में लिया है और कहा है कि ऐसे स्कूल के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बच्चा काफी सहमा हुआ है। और किस तरह से ये टीचर दिखाया जा रहा है फुटेज में, लगातार एक के बाद एक तमाचे वो मारती रहती है, बच्चा हाथ जोड़ता है। उसके बाद बीच के जितने टीचर को साइड में ले आती है, उससे बच्चे काफी चोट लगी है, वो सहमा हुआ है। और जो बच्चे स्कूल के हैं वो भी काफी डरे हुए हैं, और उनको साफ तौर पर कहना है कि वो स्कूल नहीं जाएंगे, इस तरह टीचर अगर बच्चों को पढ़ाएंगी तो आगे किस तरह पढ़ाई होगी। शुक्रिया अतीक इस तमाम जानकारी देने के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, कुछ अपडेट होगा तो हम आपका फिर से रुख करेंगे। तो हमारे संवाददाता अतीक बता रहे थे कि टीचर ने उस समय आपा खो दिया जब मासूम छात्र टीचर द्वारा रोल नंबर बोलने पर अटेंडेंस के लिए नहीं खड़ा हुआ। मामला सबके सामने, पर स्कूल प्रशासन बैकफुट पर आ गया। प्रिंसिपल ने टीचर को पिटाई का फुटेज दिखाते हुए फटकार लगाई और उसे स्कूल से निलंबित कर दिया।